वेलकम आपके अपने चैनल रियल जायका में। बकरीद स्पेशल सीरीज में एक और रेसिपी हम लेकर आए हैं, उसका नाम है मटन चिली। ये थोड़ी यूनिक रेसिपी है, अगर आप चाइनीज फैन हैं तो इसे जरूर ट्राई करें। ये इतनी मजेदार है, ये टू इन वन रेसिपी है। आप चाहें तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं और एज अ ड्राई भी आप खा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रियल जायका को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो इस मजेदार और यूनिक मटन चिली की रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम जैसा मटन बोनलेस। आप चाहे तो बोन में भी बना सकते हैं, पर ये रेसिपी मटन बोनलेस में ही ज्यादा अच्छी बनेगी। उसके बाद इसे कट कर ले, इसमें जितना भी फैट है वो निकाल ले, क्योंकि इस रेसिपी में फैट का फ्लेवर जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं परफेक्टली मटन कट हो गया है, मैंने स्ट्रिप्स में काटा है। अब हम इसे बॉइल करेंगे। मैंने यहाँ ली है कढ़ाई, आप चाहे तो कुकर में बना सकते हैं। अगर आपको जल्दी रेसिपी कम्प्लीट करनी है तो आप इसे कुकर में बनाए, क्योंकि कढ़ाई में गलने में टाइम देगा। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 से 2 चम्मच जैसा तेल, आप चाहे तो सिर्फ बटर ले लें। इसमें तेल गर्म होने के बाद इसमें डालें जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट। हल्का हल्का भूनने के बाद इसमें डालें मटन जो हमने पहले से काट करके रखा था। अभी इसे भूनना है। अब देख सकते हैं धीरे धीरे मटन का कलर चेंज हो रहा है। अब इस स्टेज में डालें 1 चम्मच चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच जैसा जीरा पाउडर। अब यहाँ पे डालें 1 चम्मच जैसा चिली सॉस, आधी चम्मच जैसा डार्क सोया सॉस। सारे सॉसेस डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें और ढककर आधा पौना घंटा स्लो पे रखते ताकि मटन अच्छे से गल जाए। बीच बीच में चेक करते रहना, कहीं पानी कम हो जाए तो आप ऐड कर सकें और कहीं मटन नीचे से चिपक नहीं जाए, इसीलिए चेक करते रहें। अब आप देख सकते हैं परफेक्टली मटन गल चुका है और रेडी हो गया। अब हम इसकी फाइनली बनाएंगे ग्रेवी। मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा चम्मच जैसा बटर, आप चाहे तो तेल भी ले सकते हैं। अब इसमें डालें क्रश जिंजर गार्लिक, उसे हल्का हल्का सौटे करें। इसको हल्का हल्का सौटे करने के बाद इसमें डालें 3 मिर्चियां, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है चाइनीज रेसिपीज में। अब इसमें डालें ऑनियन, मैंने इस तरीके से ऑनियन को कट कर लिया है। फिर डालें शिमला मिर्च, उसको भी इस तरीके से कट कर लिया है। इसे हल्का हल्का सौटे करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सारे सॉसेस। 1 बड़ा चम्मच जैसा चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच जैसा टोमेटो सॉस, 1 छोटा चम्मच जैसा विनेगर, और इसे अच्छे से सौटे करें। अब उसके बाद डालें मटन, मैं इसमें सोया सॉस यूज नहीं कर रही क्योंकि मटन में पहले से ही सोया सॉस है। ज्यादा सोया सॉस डालने से मटन ज्यादा काला लगेगा, हमें हल्का सा फ्लेवर चाहिए था जो हमने शुरू में डाल लिया है। सारे सॉसेस डालने के बाद इसे हल्का सा सौटे करें, सारे सॉसेस और अच्छे से पक जाए, इसीलिए इसे 10 मिनट जैसा स्लो में पकाना है। अब देख सकते हैं मटन अच्छे से पक चुका है और सारी ग्रेवी मटन में अच्छे से चिपक गई है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर का घोल, 1 चम्मच जैसा कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें 2 से 3 चम्मच जैसा पानी, उसे अच्छे से मिक्स कीजिए। कोशिश कीजिए इसमें एक भी लम्स ना हो, उसे अच्छे से मिक्स कीजिए और उसमें कढ़ाई में डालें और जल्दी से इसे मिक्स कीजिए। आप देख सकते हैं परफेक्टली हो गया है। अब इसमें डालेंगे ग्रीन ऑनियन की कुछ पत्तियां, ऊपर से डालें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। आप चाहें तो रेसिपी के बीच में कभी भी अजीनोमोटो डाल सकते हैं। अजीनोमोटो बहुत हेल्दी नहीं होता, इसलिए मैं इसे यूज नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा मटन चिली परफेक्टली रेडी हो गया है। अब इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे कोरा खाएं, रोटी के साथ खाएं, ये बड़ा ही मजेदार लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और भी मटन रेसिपीज हमने हमारे चैनल में बनाई हैं, आप जाकर वो भी चेक कर सकते हैं। और ऐसी ही जायकेदार रेसिपीज के लिए रियल जायका को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।